साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। जिले में पुलिस प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद भड़काने जैसी पोस्ट डालकर लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीते शनिवार की शाम जनपद झांसी के थाना बबीना में आया, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बबीना पंजाबी कॉलोनी में निवास करने वाले एक युवक दानिश मंसूरी पुत्र आज़ाद मंसूरी और दूसरे युवक इमरोज खान पुत्र अज्ञात निवासी खैलार पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र में बताया कि दानिश मंसूरी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दो ऐसी पोस्ट डाली थी जिनमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की गई थीं, साथ ही धार्मिक उन्माद भड़काने जैसी बातें लिखी गई थीं। इसकी जानकारी शनिवार की शाम 6 बजे जब गौरक्षा प्रमुख अजय सोनी को हुई तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खैलार आरा मशीन पर स्थित दानिश मंसूरी की दुकान पर जाकर इस कृत्य की जानकारी चाही तो वहां खैलार निवासी इमरोज खान भी मौजूद था, जिसने कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दे डाली। प्रार्थना पत्र के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट के प्रिंट आउट तथा आरोपी की तस्वीर का प्रिंट आउट भी पेश किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए बबीना थाना अध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295A, 504, 506 और भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट 67 के तहत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त मामले में आरोपी फरार बताया जा रहा है, इसलिए पुलिस ने मुख्य आरोपी दानिश मंसूरी के छोटे भाई को थाने में लाकर बिठा लिया है, साथ ही साथ दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख अजय सोनी, बबीना बजरंग दल संयोजक ब्रजेंद्र पाठक, सह संयोजक अनुभव श्रीवास्तव, गौरक्षा प्रमुख देवेंद्र तिवारी, गौरव यादव गौ सेवक, रचित खत्री विश्वकर्मा प्रखंड संयोजक समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। मैं आज मुझे फेसबुक के माध्यम से पता लगा कि हिंदुओं के खिलाफ मैं कुछ पोस्ट डाले गए हैं, जिसमें मैंने अपने फेसबुक पे फेसबुक अकाउंट से और लोगों के अकाउंट से मैंने जब देखा तो उसमें एक दानिश पुत्र आज़ाद निवासी बबीना पंजाबी कॉलोनी बबीना में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट डाला जिसमें सनातन धर्म के खिलाफ और हिंदू धर्म को अकेले काट देने की बात कही गई, हिंदू देवी देवताओं को अभद्र गालियां व उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जो हमें माइक पे कहने में भी शर्म आएगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो उसकी शिकायत लेकर हम थाने में आए थे और थाना अध्यक्ष जी से हमने अपना निवेदन रखा और उनके खिलाफ में हमने एक एप्लीकेशन दी है जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी ऐसे लोग हैं जो इस धार्मिक उन्माद को जो फैला रहे हैं, जो धार्मिक विवाद पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें बताया गया है और आश्वासन दिया गया है और हमें भी थाना अध्यक्ष जी से पूरी पूरी आशा है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को धरपकड़ करेंगे और जो भी ये उन्माद फैला रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में आया या नहीं आया? नहीं, आरोपी अभी फरार है, जैसे ही उसे लोगों के द्वारा या उसके जो भी और भी जो लोग थे जिन्होंने इस पोस्ट में उनका भी नाम आ रहा है उन लोगों ने सूचना दी, वैसे ही वो जब से फरार है, मगर हाँ हालांकि पुलिस के द्वारा उसके छोटे भाई को अपने गिरफ्त में रखा गया है और जब तक उसे रखा जाएगा जब तक उनके भाई को भाई यहाँ पे नहीं आता है, जिसने अपराध किया है अपराधी जब तक सामने नहीं आता है जब तक पुलिस किसी भी विवाद को ना फैलने के लिए उनके परिवार के एक सदस्य को बिठा ले हुए है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बबीना झांसी में अभी ऐसा कोई भी ऐसा प्रदर्शन या हिंदू और मुसलमान द्वारा किसी भी धर्म द्वारा कोई उपद्रव नहीं हुआ है, और हम यही चाहते हैं कि ऐसी ही भाईचारा और ऐसी ही सौहार्द बनी रहे, और ऐसे जो भी लोग अगर इन धार्मिक प्रवृत्ति को अगर ठेस पहुंचाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारा निवेदन है और यही हमारी सब और मौलवियों से हम को ये शांति का संदेश दें। मौलवियों और सभी जो भी हिंदू धर्म और हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे हम सभी से ये अपील करेंगे कि कोई भी ऐसी बातों में ना आए और ना ही जो हमारा जो तहजीब है उसे ख़राब करें जिससे हमारा भाईचारा बिगड़े। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।